हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डी पी आर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। देखिए मित्रों, यहां पर जब आप लोग अपना स्पर्श का डाटा सही करते हो तो उसमें पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, फैमिली डिटेल, यहां पर फैमिली डिटेल में ही आपका स्पाउस आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब आपको फैमिली डिटेल में ही स्पाउस भर देना है। फैमिली डिटेल भरने के बाद नॉमिनी डिटेल इधर यहां पर आता है। नॉमिनी डिटेल वो किसके लिए आता है? नॉमिनी जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके लिए आता है। और वो नॉमिनेशन फॉर्म किसके लिए भरा जाता है? यहां पर वो यहां पर एलटीए के लिए भरा जाता है। अब फ्रेंड्स, उसमें यहां पर ये समझने से पहले एलटीए होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, दिस फैसिलिटेट टू नॉमिनेट एनी पर्सन टू रिसीव अमाउंट ऑफ पेंशन दैट रिमेन अनपेड बिफोर डेथ ऑफ पेंशनर विच वॉज पेबल टू देम। मतलब जो भी पेंशनर यहां पर जीवित थे और वो उनके मृत्यु से पहले, लाइफ टाइम एरियर, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइफ टाइम एरियर, तो मतलब उनके जो जीवन काल में जो पैसा उनको मिलना चाहिए था पेंशनर को वो नहीं मिला, अब वो मृत्यु के बाद उस पैसे को किसे देना चाहते हैं? स्पाउस को देना चाहते हैं, किसी बच्चे को देना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार को देना चाहते हैं, तो वो यहां पर एलटीए में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको इसको और हिंदी में समझा देता हूं, देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। एलटीए उस अवधि की पेंशन है जो कि किसी पेंशन भोगी के जीवन काल के दौरान नहीं ली गई। अब एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे 568 का एरियर नहीं मिला है किसी को और किन्हीं की डेथ हो जाती है, तो वो एरियर को कौन प्राप्त करे? आप एलटीए में डाल सकते हो नॉमिनेशन में। अब मान लीजिए कोई डीए का एरियर नहीं मिला है, डीए का एरियर आना है तो वो किसको मिलना है? तो वो आप एलटीए में डाल सकते हो। इसके लिए बायकायदा यहां पर 656 नंबर का एक आई जो सर्कुलर नंबर जारी हुआ है, 656, जो कि स्पेशल इसी के लिए यहां पर जारी किया गया था। फ्रेंड्स, यहां पर पेंशन का बकाया नामांकन 1983 के अनुसार पेंशन भोगियों को अपनी मृत्यु पर पेंशन भोगी को बकाया पेंशन प्राप्त करने के लिए उसके जीवन काल के दौरान किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करना आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले वे जिनकी यहां पर माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है वो कैसे करेंगे, और एक वे जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है तो वो कैसे करेंगे। तो देखिए, स्पर्श वालों के लिए यहां पर सुविधा है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल संबंध प्रबंधित करें या प्रोफाइल सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आप लोग यहां पर इसको कर सकते हैं। तो यहां पर एलटीए के लिए इसको ऐड करना है, यहां पर नॉमिनेशन के लिए एलटीए करना है। एलटीए में जाने के बाद आपको यहां पर ये जो भी स्पाउस हैं, या आप किसे करना चाह रहे हैं, पहली बात तो इनको यहां पर स्पाउस ही करनी चाहिए और यहां पर शेयर 100% इसमें करना चाहिए। आप चाह रहे हैं कि नहीं, शेयर इनको 50% मिल जाए और 50% जो डिपेंडेंट हैं उनके लिए, या माता पिता के लिए, जो भी बच्चे हैं उनके लिए, या भाई बहन के लिए, जिनके लिए भी, तो यहां पर 50% यहां कर दें और शेष बचा हुआ नीचे कर दें। तो यहां इस तरीके से यहां पर इसको ऐड कर देना है और इसको यहां पर इसको क्लोज कर देना है। अभी आप यहां पर दूसरा अल्टरनेटिव नॉमिनेशन भी यहां पर कर सकते हैं। बाई द वे, यहां पर जो वाइफ हैं वो भी एक्सपायर कर जाती हैं, तो फिर वो किसको मिलना चाहिए? तो आप लोग उसको यहां पर ऐड कर सकते हैं। जो भी यहां पर ये तो हैं ही, लेकिन और भी यहां पर आप लोग इनको भी छोड़ के और किसी को भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर तो ये कंडीशन यहां पर देखिए आ रही है, यहां पर डेथ, डिवोर्स, इंसेंटिनिटी, तो जो भी यहां पर कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है तो यहां पर आप लोग ये इनका आपने 100% इनको दे रखा था, लेकिन इसके बाद में आपको जो फैमिली पेंशन अगर आपने और भी ऐड कर रखे हैं तो यहां पर उनका भी नाम आ जाएगा, तो आप लोग उनका भी यहां पर भर सकते हैं। लेकिन उसको पहले आपको कहाँ करना पड़ेगा? इससे पहले आपको करना पड़ेगा वो यहाँ, ये जो डिटेल है ना, फैमिली डिटेल, इसमें जाके आपको बच्चों का भी नाम भरना पड़ेगा, जो रिलेशन भी आप लोग जो रिलेटिव्स हैं आपके उनको आप उनके लिए देना चाह रहे हो तो वो भी यहां पर आपको फिल करना होगा। पहले यहाँ फैमिली डिटेल में जाके आप पहले फिल कर देंगे उसको, फिर जब आप लोग यहां पर अल्टरनेटिव नॉमिनी को भी यहां पर आप लोग
ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग यहां पर ऐड कर रहे हैं इसको, इसको ऐड कर रहे हैं यहां पर, ऐड करते समय आप लोग यहां पर अदर में जाके आप लोग पहले किसी बच्चे को कर दो, नीचे फिर यहां पर स्पाउस को कर दो, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको एक बार डिलीट करके दिखाता हूं, यहां पर आपने LTA लिया, अब LTA यहां पर एक बार यहां पर ये अदर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अदर में यहां पर कितना परसेंट इनको दे रहे हैं, मान लीजिए उनको हम लोग 50% दे रहे हैं। अब जो बच्चे हैं उनका नाम आप लोग यहां पर डाल दीजिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर उनका मोबाइल नंबर, मेल आईडी डाल दीजिए, बैंक का अकाउंट नंबर डाल दीजिए, IFSC कोड डाल दीजिए, सारा कुछ डाल के यहां पर इसको ऐड कर दीजिए, तो उनको भी यहां 50% मिल जाएगा और 50% उनको मिल जाएगा जो भी वाइफ हैं, जो भी स्पाउस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं अपने केस में यहां पर ये स्पाउस जो हैं इनको मैं यहां पर 100% पेमेंट पूरा दे रहा हूं इनके बाद। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे करके ऐड कर देंगे और यहां से क्लोज करके निकल जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर नॉमिनी फॉर LTA को मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स इसके बाद में आपको मैं सर्कुलर नंबर जो 656 है उसको भी दिखा देता हूं और उनके लिए भी बता देता हूं जो यहां पर माइग्रेशन स्पर्स में नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्पेशल सर्कुलर नंबर 656 जारी किया गया था, आप लोग सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, अल्टरनेटिव प्रोविजन इन द लाइफ टाइम एरियर सर्टिफिकेट टू ग्रांट फॉर ऑफ फैमिली पेंशन। जो भी पेंशनर है उनको जीवित रहते हुए ये काम कर देना है यहां पर, अगर यहां पर एक सर्टिफिकेट बननी है, ये जैसे देखो ये रही, इसमें यहां पर प्लेस जो भी है उनका नाम है पेंशनर्स का, और ये जिसको नॉमिनी कर रहे हैं रिलेशन बताओ, उनका डेट ऑफ बर्थ बताओ, जो भी एड्रेस है अगर वो माइनर हैं, और उनका यहां पर रिलेशनशिप विद द पेंशनर है आप लोग उसको, अगर माइनर है तो फिर उसको भी फिल करो, माइनर नहीं है तो ऊपर कोई भर दो बस, ऊपर वाले को, अगर माइनॉरिटी है तो यहां पर ये नीचे वाले फिल कर लें, एड्रेस वगैरह डाल लें। फिर इसके बाद में सिग्नेचर करना है यहां पर, अगर मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं है तो यहां पर उनका क्या हो जाएगा, एक यहां पर उनका थंब इंप्रेशन लग जाएगा। नेम ऑफ द पेंशनर, सिग्नेचर एंड द नेम ऑफ द पेंशनर। अभी यहां पर सिग्नेचर ऑफ द पेंशनर, डिवर्सिंग एजेंसी जो भी है, बैंक है, ट्रेजरी है, जो की भी है, आप उसको यहां पर मोहर लगेगी हेड ऑफिस से। और इसके बाद में यहां पर आप लोग फुल एड्रेस डालिए, सर्टिफिकेट दे द एप्लीकेशन नॉमिनी हैज बीन द रिसीव्ड फ्रॉम। अब यहां पर देखिए जिस डेट में आपको विटनेस सिग्नेचर भी हुआ है, नेम एंड एड्रेस उसका भी डला है जो एजेंसीज है। और इसके बाद में फ्रेंड्स ये सर्टिफिकेट जो है आप उसको रिकॉर्ड ऑफिस में भी भेज दें एक कॉपी, क्योंकि यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ही यहां पर पैसा सेंड करती है। तो फ्रेंड्स यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको, अगर आपके पास ये लेटर नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है, फॉर्म नहीं है, तो आप मेरे को मैसेज करिए। अभी जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना जो चैनल है उसका लिंक डाल दिया, उसका जो ग्रुप है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका भी लिंक डाल दिया, तो आप उसमें जाके ऐड हो जाइए, मैं उसी में इस नॉमिनेशन फॉर्म को, लाइफ टाइम एरियर को, LTA को सेंड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग यहां पर इसको प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहां में ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, मैं आपसे फिर अगली वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।